अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आज हमारा ऑनलाइन क्लासेस में पेड क्लासेस का फर्स्ट डे है। अभी कितने लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ इंटरेक्शन में रहो ताकि मुझे आइडिया रहे कि कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं। मैं वैसे तो चाहती थी कि बहुत सारे लोग ज्वाइन करें, अब ये डिपेंड करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या क्या कुछ हम कर पाते हैं। तो शैल वी टेक अ स्टार्ट? ओके, वी शैल टेक अ स्टार्ट। हमने जो कल क्लास ली थी बेटा, उसमें हमने प्रेपोजिशंस किए थे। कौन कौन से याद करो जल्दी से, कौन कौन से थे? आई एम वेटिंग। टू, फॉर, बिल्कुल ठीक, टू और फॉर। अब ये जो टू और फॉर प्रेपोजिशंस थे, हमने इसका डिफरेंस किया था। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं कोशिश ये करूँगी कि जो कल आपके प्रेपोजिशंस हुए थे उनसे रिलेटेड मैं MCQs आपको आज प्रोवाइड करूँ। आपको मेरा बोर्ड नज़र आ रहा होगा, मैंने पहले से काफ़ी कुछ इसके ऊपर लिख दिया और मैंने बारी बारी इन सब पे जाना है। लेकिन जो कल किया मैंने डे वन पे बोला था, जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते और मुझे ये कंफर्म नहीं हो जाता कि जो मैंने पढ़ाया था वो समझ आ गया या नहीं आया, तो मैं आगे नहीं जाऊंगी। मैंने बोर्ड पे प्रपोजिशंस भी लिखे और आज से हमने, जैसे मैंने अनाउंस किया था कि आज से हमने सिनोनिम्स की तरफ भी मूव करना है, तो हम सिनोनिम्स में भी जाएंगे। और एसे राइटिंग का एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने बोला था कि आप लोग मुझे सेंड करें, मेरे तक अभी तक कुछ भी नहीं आया, लेकिन स्टिल मैंने एक पैराग्राफ आपके लिए बना दिया। इसको भी हम एक दफ़ा रीड करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा, अदरवाइज़ आप इसकी एक पिक्चर ले लेना और फिर बाद में इसको तसल्ली से बैठ के पढ़ना। और अपना अपना इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा, अपना नहीं, इस मोबाइल फोन्स एसे का जो इंट्रोडक्शन लिखा, वो प्लीज़ मुझे आज सेंड कर दो, क्योंकि अब हमारी रूटीन क्लास है। और रूटीन का मतलब ये है कि हमने सीरियस होके पढ़ना है। हमारे पास एक साल नहीं है, हमारे पास 2-3 मंथ्स का टाइम नहीं है, हमारे पास सिर्फ डेज़ हैं, शायद डेज़ या शायद एक मंथ, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम प्रोलॉन्ग करेंगे इस चीज़ को, हम कर नहीं सकेंगे। तो हमें रश करना है, रश करना है। सुनने में आता है कोई स्टूडेंट सुने, कोई टीचर बताए किसी दूसरे को कि मैं इस क्लास को क्या पढ़ा रहा हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस। बेसिकली ऐसे राइटिंग में तो चॉइस है ना कि आप इंग्लिश में भी जा सकते हो, इंग्लिश उर्दू में भी जा सकते हो, फिर पर्सनल स्टेटमेंट है, वो भी उसके भी टैक्स हैं जो मैं आपको सिखा दूंगी, वो भी एक या दो लेक्चर्स में कवर हो जाते हैं। असल चीज़ें तो हम यही कर रहे हैं जो सुनने वाला समझता है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, यस, टू फॉर हमने किया था। मारिया, शुएब, कैसे हो आप? ठीक ठाक मारिया, ओके। तो हम लोगों ने करना ये है कि हम हर चीज़, जिस तरह मैं किसी को बताती हूँ ना कि हम ये तीन चीज़ें कर रहे हैं, तो वो कहते हैं बस तीन चीज़ें, छोटा सा काम है और वो आसानी से आ जाएगा। आप देखोगे कि ये इतने ज़्यादा हैं इटसेल्फ, इनका क्या यूज़ है? और अभी तो हम टू का कंपैरिजन बना रहे हैं, तीन दिन से तो हमारा कंपैरिजन नहीं पूरा हुआ और अभी भी ये बहुत आगे तक जाएगा, और डिफरेंस भी, और फिर कहाँ पर ये एक सब्स्टिट्यूट भी यूज़ हो जाता है। इन सब पर जब हम जाएंगे तो वह काफ़ी लंबी डिटेल हो जाएगी और उस पर मैं जाऊंगी, ज़रूर जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने वो डिटेल ना पकड़ी तो आपको कैसे डिफरेंस क्लियर होगा, एग्ज़ाम्स में आप कंफ्यूज हो गए। मैंने वो कंफ्यूजन नहीं रहने देना। जो जो मैं बोलती हूँ और जो जो मैं यहाँ लिखवाती हूँ या मैं लिखती हूँ या मैं आपको डिस्प्ले पे देती हूँ, कोशिश किया करो उन चीज़ों की मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। पास्ट पेपर्स ले लो, अनसॉल्व्ड या फिर ऐसे सॉल्व हो, लेकिन वहीं पर टिक, जिन बुक्स में वहीं पर टिक किया होता है ना, स्टूडेंट्स को पकी पकाई खीर की आदत होती है, दे प्रेफर के ओके यहाँ पे आंसर मिल गया, सॉर्ट नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ बुक्स के एंड पे दिए हुए होते हैं, वो आपके लिए क्यों बेनिफिशियल होते हैं कि आपको ये भी तसल्ली है कि मुझे पता चल जाएगा राइट आंसर क्या है। लेकिन आप खुद सॉल्व तो करोगे, जब तक आप चीज़ों को खुद सॉल्व नहीं करोगे ना, तब तक आपको मुश्किल है कि चीज़ें आएँ। मेरे बोलने पर लगेगा कि आ गया, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने बैठोगे तो फिर सारा कुछ वहीं का वहीं आ जाएगा। वर्ड्स तो वहीं रहने हैं, उनका यूज़ सीख रहे हो ना,
तो 1 month देखा जाए बहुत टाइम है, लेकिन अगर प्रैक्टिस ना की तो ये कोई टाइम भी नहीं है। इसलिए आपको मेरे साथ साथ इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। मैं कोशिश करती हूँ कि जब तक आपके डिस्प्ले पर आते हैं, आपके MCQs जैसे ही आएंगे, तो क्योंकि हम वो एक काम कर चुके हुए हैं, आगे चल भी रहे होंगे और बीच में रुक के वो काम करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं टू और टूवर्ड्स इसमें आ जाना चाहती हूँ। आप सबको ये क्लियर नज़र आ रहा है बोर्ड? क्योंकि बोर्ड जो है वो यूजुअली क्लियर नहीं आता, तो मैंने आज मार्कर को अच्छा घिसाया है ताकि ये मोटा मोटा लिखे और सब चीज़ें आपके लिए क्लियर हो। नज़र आ रहा है बोर्ड सबको? एंड तक नज़र आ रहा है? क्यों मारिया श्वेब, एंड तक नज़र आ रहा है आपको? मुझे आंसर क्योंकि आप ही क्या आ रहे हैं। तो शाहिद, अनिल, माहम, मारिया, श्वेब, बताइए सबको नज़र आ रहा है बोर्ड? ओके, आंसर नहीं आया, लेकिन मैं अब क्योंकि एज्यूम कर लिया कि आंसर नहीं आया, इसका मतलब ये है कि नज़र आ रहा है बोर्ड, तो मैं इसमें मूव करने लगी हूँ। सिनोनिम्स को मैं अभी नहीं कर रही, हाफ क्लास के बाद करूँगी, क्योंकि मुझे इसकी बेस बनानी है। जब कोई चीज़ आप बेस से लेते हो ना, तो उसको समझना थोड़ा ज़्यादा डीप जाना पड़ता है। टू हम कितनी देर से कर रहे हैं, और हर दफ़ा मैं बताती हूँ कि ये किसी डायरेक्शन, किसी मूवमेंट, किसी जगह पहुँचने के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे तो टूवर्ड्स भी किसी जगह पहुंचने के लिए इस्तेमाल होता है, टू बी और टूवर्ड्स भी, दोनों हम उसकी तरफ जा रहे हैं, हम उस तरफ जा रहे हैं, इन दोनों के लिए टू और टूवर्ड्स इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये इतने क्लोज हैं। वालेकुम सलाम सिकंदर। तो फिर इतने क्लोज हैं, अब कोई चीज इतनी क्लोज होगी और एक ही MCQ में दोनों दिए भी होंगे, तो फिर तो उसकी तरफ वो अकड़ बकड़ करने वाली बात है कि अच्छा ये भी लगा देते हैं, ये भी देखा जाएगा बाद में जो ठीक होगा। नहीं, ये कन्फ्यूजन आपके अंदर से ख़त्म होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने जो आंसर दिया वो ठीक है। तो हम इसका डिफरेंस आज पढ़ेंगे कि ये टू और टूवर्ड्स में आपस में जो बिल्कुल थोड़ा सा एक ही मीनिंग दे रहे हैं, एक ही सेंस में यूज़ हो रहे हैं, तो कहाँ टू आता है और कहाँ टूवर्ड्स आता है। टू डिनोट्स मूवमेंट टू अ फिक्स्ड प्लेस। अगर मैं कहती हूं ही वेंट टू मार्केट, तो वो मार्केट ही गया, वो कहीं और नहीं गया, उसका डेस्टिनेशन कंफर्म है, वो उस तरफ गया है और अब वो अपना काम करके ही लौटेगा, ठीक है। अगर मैं इसी सेंटेंस को नीचे आ जाते हैं टूवर्ड्स में, जो टूवर्ड्स है ये क्या बताता है, इट डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, के जो हरकत हो रही है वो किस तरफ को हुई है पता नहीं, वहां जाना कि नहीं जाना। जैसे अगर मैं कहती हूं ही इज गोइंग टू अ मॉस्क, वो मस्जिद गया है, वो ही हैज गॉन या ही इज गोइंग, ही गोज टू अ मॉस्क, इन सब में फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म जो भी आपने यूज की, जो डायमेंशन है, जो डायरेक्शन है, वो डेस्टिंड है, वो कंफर्म्ड है, तो वो मस्जिद ही गया। लेकिन अगर मैं कहती हूँ ही इज गोइंग टूवर्ड्स अ मॉस्क, ही हैज गॉन टूवर्ड्स अ मॉस्क, ही गोज टूवर्ड्स अ मॉस्क, तो इसका मतलब है आप जहाँ खड़े होके देख रहे हो ना, तो आप उसको जाते हुए देख रहे हो, आप देख रहे हो कि वो मस्जिद की तरफ गया है। अब ये नहीं पता कि वो मस्जिद के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। जब आपने टू कहा तो कंफर्म उस जगह पे जाना है, और जब आपने टूवर्ड्स कहा तो इसका मतलब है कि उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट जो हो रही थी, उसमें सामने क्या चीज नजर आ रही है, आपने बता दिया कि वो किस तरफ को गया, अब वो आगे जाके किधर गया, यू नेवर नो। डिफरेंस समझ आ रहा है? टेल मी, डिफरेंस समझ आ रहा है बेटा? आज से आप लोग मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो, तो इसका मतलब है कि जो आपका रिजल्ट आएगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल 100% मैं होने वाली हूँ, और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टीचर का रिफ्लेक्शन होता है स्टूडेंट, जो मैं सिखाऊंगी तुम वही करोगे। मैं अगर कुछ अच्छा सिखाऊंगी तो मैं अच्छा आएगा, अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं सिखाया तो रिजल्ट बुरा आएगा, अल्लाह ना करे। तो इसका मतलब ये है कि आप मुझे रिफ्लेक्ट करने वाले हैं, तो बड़े गौर से सुना करें मैं क्या बता रही हूँ। ये बड़ा छोटा सा डिफरेंस था, आपको समझ आया? मुझे आंसर करो, मुझे आंसर नहीं आ रहे। मारिया, सिकंदर, गुड, समझ आ रहा है? शाहिद, गुड। शुएब, आपका आंसर अभी पूरी तरह ऊपर नहीं आया, लेकिन मुझे अंदाजा है कि अल्लाह करे समझ आ ही गया हो। इसकी एग्जांपल्स और देखते हैं। आप देखो,
किसी किसी सेंटेंस के अंदर बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर आपके पास ये दिया हुआ है ही वेंट टू मार्केट, मैंने यहां पर भी लिखा है ही वेंट टूवर्ड्स मार्केट, ऑप्शन में टू और टूवर्ड्स दोनों हो सकता है ना। किसको नहीं समझ आया? अनिल आपको नहीं समझ आया? चलो अभी और डिटेल में जाते हैं, फिर उसके बाद मुझे स्पेसिफिकली आप आंसर करना। जावेद आपको भी मैं दोबारा से समझा रही हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू, डिफरेंस के थ्रू, तो थोड़ा गौर करना। ना समझ आया तो कोई इशू नहीं, कभी टाइम लग भी जाता है तो हम टाइम लगा लेंगे। आज का दिन हमने इसके लिए डिप्यूट किया हुआ है, वैसे तो मैंने ये भी पढ़ाना है और ये भी पढ़ाना है, लेकिन मैं अपनी हर क्लास में कोशिश करूंगी कि जितना मैं मैक्सिमम दे सकती हूँ उतना मैं बोर्ड पे लिखूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा वो मैंने सारा पढ़ाया, जितना आपको समझ आएगा मैं उतना ही पढ़ाऊंगी, उसके आगे नहीं जाऊंगी। लेकिन ये भी है कि मैं नेक्स्ट डे जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया करूंगी तो मैं उसी पॉइंट से जहां छोड़ा है वहीं से आगे लूंगी, चाहे वो एक पॉइंट क्यों ना हो, क्योंकि अब यहां पर बात है कॉन्सेप्ट्स की। कॉन्सेप्ट्स क्लियर तो सब ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ तो मैं जितना मर्जी तेज भाग जाऊं उससे कोई फायदा तो नहीं होगा। सो आई विल बी अ बिट स्लो, आप बताओगे कि जी समझ आ गई है तो फिर हम आगे जाएंगे, क्योंकि अब तुम मेरे स्टूडेंट हो और मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो मैं जंप नहीं करना चाहूँगी, मैं बहुत रश नहीं करना चाहूँगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तुम्हारी स्पीड पे। टीचर को क्या आता है ये इम्पोर्टेंट नहीं होता, स्टूडेंट को क्या समझ आया ये इम्पोर्टेंट होता है। तो मुझे साथ साथ ये यस नो तो ज़रूर आना चाहिए ताकि मुझे पता चले। अगर कोई कहता है नो तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा मुझे उसको और डिटेल में डालना है, मैं डालूँगी, लेकिन आंसर बिल्कुल ठीक करना। ये नहीं कि अगर आप मतलब अब सोच रहे हो कि मैं उसी चीज़ पे को रिपीट करती रहूँ तो नो कहो, अपना नुकसान करोगे, मैं खड़ी बोलती रहूँगी। तो बोलना बताना वही जितना समझ आया, ओके नहीं समझ आया, क्योंकि जो येस वाले हैं मैं उनके आंसर कभी नहीं देखती, मैं नो वालों के आंसर इसलिए देखती हूँ कि अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो वो क्लियर करना मेरी ड्यूटी है। यहाँ देखो सेम सेंटेंस है, ही वेंट टू मार्केट, ही वेंट टूवर्ड्स मार्केट, एक में यूज हुआ है टू और एक में यूज हुआ है टूवर्ड्स, बोथ दी सेंटेंसेस आर करेक्ट, इन दोनों में कोई गलती नहीं है। तो फिर ऐसा क्या होगा, दोनों का मीनिंग, दोनों को ट्रांसलेट करते हैं। इसमें जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, अगर एक ऑप्शन दोनों जगह पर फिट करता है, अगर हम ये कहते हैं ही वेंट फ्रॉम मार्केट, चलो हम अभी फ्रॉम कर नहीं रहे, वो मार्केट से गया, तो सेंटेंस तो ये भी ठीक है, फ्रॉम भी यहाँ लग सकता है। इसलिए एग्जामिनर ऐसे सेंटेंसेस में ए बी सी डी चॉइस जो ऑप्शन है उनमें से कोई एक ही वर्ड ऐसा देगा जो वहाँ फिट होंगे, जो वर्ड्स वहाँ फिट और हो सकते हैं वो देगा ही नहीं, तो आपके पास राइट ऑप्शन आई एक रहा होगा। ओके तो यहाँ पर आपके पास अगर टू और टूवर्ड्स ए और बी दोनों ऑप्शंस में हैं तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि दोनों करेक्ट हैं। और ये हो सकता है अगर ऑप्शन यूं दिया हो टू टूवर्ड्स ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, और चौथा ऐसी सूरत में होता है नन ऑफ दीज इज करेक्ट, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों यहां लग सकते हैं, फिर एक ऑप्शन ये है कि ये दोनों यहां लग सकते हैं और एक ऑप्शन ये है कि कोई भी नहीं लग सकता, तो दोनों लग सकते हैं, हम उस ऑप्शन पे जाएंगे, फिर हम ए या बी पर नहीं जाएंगे। और अगर ये ऑप्शन ना हो कि दोनों ठीक हैं या कोई ठीक नहीं है, तो ऐसी सूरत में आपको राइट ऑप्शन एक दिया होगा। तो इनका ट्रांसलेशन क्या बनती है, ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया, तो वो बाजार ही गया है, वो जिस काम के लिए गया है वो वहीं जाके अब रुकेगा। ही वेंट टू वर्ड्स मार्केट, वो मार्केट की तरफ गया है, चाहे वो मार्केट क्रॉस करके आगे कहीं और जाने वाला हो या मार्केट के बिल्कुल करीब जाके मुड़ जाने वाला हो, पर जिस वक्त आपने देखा वो उस वक्त मार्केट की तरफ जा रहा था, ठीक है, वो मार्केट की तरफ गया, आगे किधर ये नहीं पता, मार्केट उसकी डेस्टिनेशन नहीं है। हमने बोला जब डेस्टिनेशन का जिक्र आए कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो तो टू लगाना है, अगर वो मंजिल नहीं है तो फिर टू नहीं लगाना। कुड यू टेल मी द वे टू मार्केट, और एक सेंटेंस ये है, सेम सेंटेंस, मैंने सेंटेंसेस सेम रखे,
ताकि जो गलत और सही है ना वो आपको पता चले इनमें से गलत सेंटेंस कौन सा है और जो सही सेंटेंस है वो कौन सा है। कुड यू टेल मी द वे टू मार्केट, क्या आप मुझे बाजार जाने का रास्ता बता सकते हो। अब आपने अगर किसी से रास्ता पूछा तो आप थोड़ा सा टाइम लगाते हो उसके पास, क्योंकि वो आपको बताता है यहाँ से राइट हो, फिर लेफ्ट हो, फिर राइट हो, फिर सीधा जाए। जो भी उसने आपको रास्ता बताया वो रास्ता कहाँ जाके खत्म होगा, मार्केट पर, आपके डेस्टिनेशन पर। अगर हम कहते हैं कुड यू टेल मी द वे टूवर्ड्स मार्केट, अब आपने उससे पूरा पूरा रास्ता नहीं, मार्केट की तरफ जाने वाला रास्ता, मार्केट तक नहीं पहुंचे, मार्केट की तरफ जो रास्ता जाता है, अब वो कहे ये जाता है, अब आगे 10 मोड़ है, तुम तो फिर गुम के गुम फिर किसी और से रास्ता पूछ लोगे। तो ये सेंटेंस है जिसमें जब आप किसी से किसी जगह का रास्ता पूछते हो तो आप टू दैट प्लेस की बात करते हो। मुझे एमसीक्यूज चाहिए, मुनव्वर को बुलाइए। और अगर आपने ये, इसका मतलब है दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इट हैज अ डिफरेंट ट्रांसलेशन एंड दिस वन इज करेक्ट, क्योंकि आपने डेस्टिनेशन का रास्ता पूछा, तो डेस्टिनेशन का रास्ता पूछने के लिए आपने टू का वर्ड यूज किया, जिससे आपने जिससे पूछा है उसको समझा दिया कि मुझे पूरा रास्ता बताओ। ठीक, अ डॉग वॉज कमिंग टू मी, एक डॉग मेरी तरफ आ रहा था। अ डॉग वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं एक रोड के एक एंड पे खड़ी हूं, ठीक है, दूसरे एंड से एक कुत्ता भाग के आ रहा है, या तो वो कुत्ता मुझे काटने के लिए आ रहा है, ठीक है, या वो बस आपकी तरफ आ रहा है, बीच में कहीं रुक जाने वाला है। जब आपने कहा द डॉग वॉज कमिंग टू मी, तो इसका मतलब है मैं उसकी मंजिल हूं, वो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है और मुझे ही आके काटेगा। और अगर मैं कहती हूँ अ डॉग वॉज कमिंग टूवर्ड्स मी, तो वो कहीं से उसकी डायरेक्शन जिस तरफ मैं खड़ी हूँ बस उस तरफ है। अब ये नहीं पता कि वो मेरे पास आके रुकने वाला है, मुझे क्रॉस करने वाला है, या पहले ही कहीं रुक जाने वाला है। टू में भी मार्केट वाली एग्जाम्पल है और टूवर्ड्स में भी मार्केट वाली एग्जाम्पल है, इसमें मेजर डिफरेंस। सिकंदर मैंने अभी बताया कि अगर आपको समझ आ गया तो मुझे येस करो, क्योंकि मेरे पास शो नहीं हुआ था आपका ये कमेंट, और अगर नहीं समझ आया तो फिर नो करो, मैं क्लियर कर दूंगी। क्योंकि बेटा तुम लोग उर्दू में लिखते हो, वो उर्दू वाला पढ़ना भी बड़ा मसला होता है, क्योंकि मेरे नेट में प्रॉब्लम थी, अभी ऑनलाइन हुआ। ओ अच्छा, वरना समझ आ जाता। अब मैंने जो समझाया वो डिफरेंस समझ आया। सिकंदर, हमें कैसे पता चलेगा उसकी डेस्टिनेशन क्या होगी, हाउ टू कन्फर्म दैट। ये देखो ना, आपने किसी से पूछा मुझे मार्केट का रास्ता समझा दे, तो इसका मतलब है तुम गुम हो और तुमने किसी से मार्केट का रास्ता पूछा, तो वो तुम्हें पूरा मार्केट का रास्ता समझाएगा। अपना सवाल देखो ना, आप किसी से सवाल ये करते हो कि मुझे बाजार तक का रास्ता समझा दें, तो वो तुम्हें पूरा रास्ता समझाएगा। लेकिन अगर तुम उससे बिल्कुल पूछते हो किधर को जाता है, तो वो कहेगा इधर को जाता है, बस दैट्स इट। तो इसका मतलब है आपका सवाल गलत है। तो सवाल क्या होना चाहिए, जब किसी से रास्ता पूछो टू कह के पूछो, ताकि वो समझ जाए कि मुझे इसको वहां तक पहुंचाना है, ठीक है, इशारों में। लेकिन अगर आपने ये पूछा है तो उसका आंसर वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, आपका सवाल ही गलत है। अब ज्यादा क्लियर हो गया मारिया, गुड, यस, आ गए हैं मैम, ओके, आ गया है, ओके। एमसीक्यू लगाएंगे, ओके। अब यहां तक में ये फिर याद रखें, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट की हरकत हो रही है, उसकी उसकी डायरेक्शन क्या है, और ये डेस्टिनेशन मंजिल, आपकी जो मंजिल है वो क्या है, फिक्स प्लेस की तरफ जाना, कंफर्म जाना, डाउट में जाना, तो इसको टू और टूवर्ड्स कहते हैं। आपके कल वाले एमसीक्यू शो होने लगे हैं बेटा, आपको वो पहले आप सॉल्व करें, फिर उसको हम एक दफा डिस्कस भी करेंगे, मुझे बाद में डिस्कस भी करने हैं। रेडी हैं आप लोग, ओके, टाइम स्टार्ट्स नाउ, बाद में शो पे भी लगाइए।
15 seconds. टाइम्स अप. ओके योर रिजल्ट्स. जावेद 3 out of 5, शाहिद 2, मारिया 4, मारवा 4, अनिल 3, सिकंदर 3, शोएब 3. क्यों बेटा, जब मैं बोलती हूँ तो फिर आप कहते हो क्लियर है, जब मैं सॉल्व करती हूँ तब आप कहते हो क्लियर है, लेकिन ऐसे जब रिजल्ट्स आते हैं गलत. चलो मुझे टू और टू वर्ड्स की एक और अच्छी एग्जांपल आई है. जब तक आपके आंसर्स ये एमसीक्यूज मेरे पास डिस्प्ले में आते हैं तब तक मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. बेटा ये डिस्प्ले पे लगा दें क्वेश्चंस, तब तक एक एग्जांपल देती हूँ. अभी मुझे किसी ने कहा कि दोबारा क्लियर करें तो मेरे माइंड में एक एग्जाम्पल आई है. इफ़ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर एंड आई एम मूविंग फॉरवर्ड, वट विल हैपन, वट यू वुड से टू दिस. यू वुड से, मैं अगर कहती हूँ आई एम मूविंग टूवर्ड्स यू, तो मैं कैमरा फाड़ के तो नहीं निकल आऊंगी और आपके पास तो नहीं आ जाऊंगी. तो आई एम जस्ट मूविंग टूवर्ड्स यू. बट इफ आई से आई एम मूविंग टूवर्ड्स द कैमरा, तो दैट मीन्स ये मेरी एक्सेस में है, ये मेरी डेस्टिनेशन हो सकती है, मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ. ठीक है, जब हमने टू कहा तो डेस्टिनेशन जब एक्सेसिबल है, और जब हमने फॉर बोला टूवर्ड्स बोला तो इसका मतलब है मैं इस तरफ को चल रही हूँ लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच नहीं सकती. तो ये टू और टूवर्ड्स का एक मेजर डिफरेंस होगा. आपके एमसीक्यूज चलें, जब तक डिस्प्ले पर आते हैं मेरे सामने, मैंने लिख भी इसीलिए लिया था कि मुझे पता है कि थोड़ा सा डिले पे जाते हैं तो वो मैं ना जाऊँ. आपका फर्स्ट एमसीक्यू क्या था? ही विल हैव टू अकाउंट डैश हिज स्ट्रेंज बिहेवियर. ही विल हैव टू अकाउंट स्टार्ट नहीं हो रहा. He will have to account dash his strange behavior. आपके ऑप्शंस में क्या था? टू, फॉर, विद, ऑन. He will have to account, टू आना चाहिए या फॉर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? मुझे आंसर चाहिए. टू या फॉर, आप लोगों ने क्या लगाया था? टू लगाया था या फॉर लगाया था? रीजन की बात हो रही है, किस चीज के लिए अकाउंट फॉर आएगा, टू नहीं आएगा. क्लियर हो रहा है? फॉर आएगा. अगर हम कहते हैं टू तो किसी चीज की तरफ, उससे, लेकिन फॉर, फॉर का मतलब है उसके लिए, किस चीज के लिए? स्ट्रेंज बिहेवियर. ठीक है, उसके लिए. ओके, सेकेंड वन, ही हैज ग्रेट अफेक्शन डैश हिज चिल्ड्रन. ही हैज ग्रेट अफेक्शन डैश हिज चिल्ड्रन. अफेक्शन क्या है? मोहब्बत, प्यार, शफकत. ये जो मोहब्बत, प्यार और शफकत है, ये किसी दूसरे की तरफ ट्रांसफर होता है. किसके लिए है? फॉर हिज चिल्ड्रन. अगर यही सेंटेंस चले, अगले में मैंने सेम यही सेंटेंस लिया था, जैसे मैंने आज किया है सेंटेंसेस के साथ, मैंने उस इस वर्कशीट में भी किया था, क्योंकि ये दो दिन पहले बनाई है तो मुझे अब साथ साथ रिकॉल हो रहा है. पहले सेंटेंस यानी सेंटेंस टू में है, ही हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर हिज चिल्ड्रन. उसके बच्चों की तरफ उसका जो प्यार है उसकी बात हो रही है, तो बच्चों के लिए प्यार है, फॉर आएगा. लेकिन ही इज अफेक्शनेट, अब यहाँ पे उसकी अपनी खूबी है कि वो अफेक्शनेट है किसकी तरफ? डैश हिज ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोते पोतियों की तरफ वो खुद अफेक्शनेट है. यहाँ पे हम उसका वर्ब के उसकी
उसका कैसे वो रिएक्ट करता है उसकी बात कर रहे हैं, तो हमने अफेक्शनेट टू लगा दिया. नेक्स्ट इज द पीएन विल आंसर. आपने देखा फॉर कहाँ आया, जब फोकस है बच्चों पर तो फॉर, और जब डूअर पर, उसके काम पर, उसके वर्ब पर, यानी उसका अफेक्शनेट होना उसका काम है, उसके वर्ब पर जब हमारा फोकस गया तो टू लगा. देन क्वेश्चन नंबर 4, द पीएन विल आंसर डैश हिज मिसबिहेवियर टू द मैनेजर. क्या आएगा, टू एट विद फॉर. ये आगे कीजिए, ये फॉर की जगह क्या लिखा है, हर लिखा हुआ है, वो ऑप्शन गलत, टाइप गलत हो गया, मेरी गलती नहीं है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसमें हर लिखा हुआ लेकिन फॉर होना चाहिए था. द पीएन विल आंसर फॉर हिज मिसबिहेवियर टू द मैनेजर. फोकस किस चीज के ऊपर है, जो मिसबिहेवियर हुआ है किसके साथ हुआ है, जो काम हुआ है मिसबिहेवियर वो किसके एंड पे हुआ है, मैनेजर के एंड पर. तो यहां पर क्या आएगा, द पीएन विल आंसर फॉर हिज मिसबिहेवियर टू द मैनेजर. अगर यहां यूं भी होता, द पीएन विल बी आंसरेबल टू द मैनेजर फॉर हिज मिसबिहेवियर, क्योंकि बात मिसबिहेवियर ही की हो रही है, जब फोकस मिसबिहेवियर पर हो रहा है वो किसी की तरफ किया गया तो आपने फॉर लगाया. और आई हैव नो एक्सेस, ना एक्सेस लिखा है, नो एक्सेस टू द एजुकेशन मिनिस्टर. आई हैव नो एक्सेस डैश द एजुकेशन मिनिस्टर, बिटवीन दो के दरमियान में, बाय के जरिए, टू से फॉर, फॉर के लिए. आपकी एक्सेस कहां तक नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर तक नहीं है, इसमें आपका काम कोई नहीं हो रहा, किसी और की तरफ रेफरेंस की बात हो रही है. आपकी एक्सेस किस तक नहीं है, एजुकेशन मिनिस्टर तक नहीं है. आई हैव नो एक्सेस टू द एजुकेशन मिनिस्टर, इशारा की तरफ, यानी आपकी एक्सेस उसकी तरफ नहीं है. नेक्स्ट आगे कर दें. ओके, 5 थे एमसीक्यूज आपके पास, चलें ठीक है. अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं एसे राइटिंग की तरफ. यहां तक समझ आया सबको, किसी को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, आपके मार्क्स 4 हैं मारिया, क्योंकि ऑप्शन में वो लिखा ही हर लिखा हुआ था. मैं हालांकि खुद टाइप करके देती हूँ, पता नहीं ऐड करते वक्त उसे रीटाइप किया है या क्या किया है, बहरहाल, लेकिन आपकी गलती नहीं है इसमें. जिनके 4 मार्क्स है ना, इसका मतलब है वो हर वाली मिस्टेक कर गए हैं और उनकी गलती नहीं है, उनके फुल मार्क्स भी आ सकते थे, पर अभी तक फुल मार्क्स सिर्फ अभी तक आप लोगों ने एक टेस्ट में लिए हुए हैं. 4 और 5 गलत हुआ, 4 और 5 गलत हुआ आपका. द पी एन विल आंसर फॉर, वो जवाब देना है, तो अपनी गलती किस चीज़ का जवाब देना है, किस गलती के लिए फॉर आएगा, और किस को जवाब दे है, तो फिर 2 आएगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया शुएब? अब तो नहीं वो गलती रही आपकी, माइंड क्लियर हो गया? जावेद जल्दी बोलें, सबको क्लियर है? चलो ठीक है, अब हम आते हैं एसे राइटिंग पर. ये पोर्शन हमारा प्रेपोजिशंस का आज का कवर हो गया. नेक्स्ट है जी एसे राइटिंग. एसे राइटिंग में हमने जो जब स्टार्ट किया, तो बेटा मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ मुझे असाइनमेंट सबमिट कराओ कराओ, लेकिन आप नहीं करा रहे हैं, तो ये गलत बात है. मैंने एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दे दिया, ये बहुत वेरिएशंस के साथ भी हो सकता है. एक पैराग्राफ का मतलब इसको रट्टा नहीं लगना, क्रैमिंग की तरफ तो मैं कभी जाती नहीं हूँ, और मेरा ख्याल है जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो और आपकी अच्छी वोकैबुलरी ना हो, तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ मैंने लिखा, पढ़ के सुनाती हूँ मैं आपको, और आप ये देखना कि सारे सेंटेंसेस उसी एक टॉपिक सेंटेंस की तरफ लिंक कर रहे हैं, या हर सेंटेंस में अलग अलग बात है. जाहिर है फुल स्टॉप का मतलब ये है कि सेंटेंस नया स्टार्ट हो गया, लेकिन जब सेंटेंस नया स्टार्ट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने उस का लिंक चेक करना है कि आपके टॉपिक सेंटेंस के साथ हो, लेकिन वो आगे से
बात आगे बढ़ा रहा है इसलिए फुल स्टॉप लगा और सेंटेंस आगे बढ़ा. आपने सर जाहिर से कहा था, क्या कहा था जावेद? वो कहते थे रेगुलर क्लास में सेंड होगी. ओके, रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गई तो फिर आप सेंड कर देना. और कैसे करते हैं ये मुझे भी नहीं पता, आप उन्हीं से पूछना, वो आपको बताएंगे. बस आप मुझे सेंड कर देना, जब आ जाएगी तो मैं चेक करके आपको मिस्टेक्स मैसेंजर पे बता दूंगी. ठीक है, ओके. इंट्रोडक्शन. मोबाइल फोन. मोबाइल फोन इज अ डिवाइस मेनली यूज टू डिलीवर एंड रिसीव वॉइस मैसेजेस. मैंने अपनी बात कहाँ से शुरू की कि जो जी जावेद असाइनमेंट की बात हो रही है, ये असाइनमेंट आपकी यही है कि इस एक ऐसे को हमने डिफरेंट पैराग्राफ्स में लेकर जाना है. फिर जब आपकी इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी कि अच्छा अब मैंने नेगेटिव एस्पेक्ट्स का लिखा, पॉजिटिव का लिखा, बैकग्राउंड का लिखा, तो फिर उस फ्लो पे हम और एसेज को डेली बेसिस पे पुट करते जाएंगे. और फिर एसे में और जो करंट अफेयर के एसेज है हमने उसमें भी तो जाना है ना, फिर हम वो स्टार्ट कर देंगे. तो अभी हमने पहले ये सीखना है कि एसे का फ्लो वो टूटे नहीं, उसमें ब्रेक ना आए. तो हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है वो यहाँ पर एंड हो रहा है और उसमें हमने क्या बात की है, मोबाइल फोन इज अ डिवाइस मेनली यूज टू डिलीवर एंड रिसीव वॉइस मैसेजेस. वॉइस मैसेजेस को मेन पर्पज इसका ये है. तो इसका मतलब है हम पर्पज की बात करें कि जो मोबाइल फोन है उसका बेसिक पर्पज क्या क्या है, मेजर ये है, और फिर इसके बाद फर्दर ये कितने पर्पजेस में यूज होता है. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर SMS. पर्पज की बात हो रही है ना, पहले हमने कहा वॉइस मैसेज मेन पर्पज तो यही है. मेरा फोन पिछले दिनों में खराब हो गया था और मैंने ये मेन पर्पज इसलिए भी लिखा कि उसमें सिर्फ क्या था, कॉल नहीं आती थी आपका, यानी उसका माइक और स्पीकर खराब हुआ और उसमें से कॉल ना रिसीव होती थी ना सेंड होती थी. नेट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मुझे लगता था ये बेकार सी चीज़ मेरे पास एक पड़ी हुई है. तो मेनली इसका पर्पस कॉल करना और आना है. और अगर ये पर्पस पूरा नहीं होता तो बेशक आपका व्हाट्सएप चले, फेसबुक चले, इंस्टा चले, लगता है कि फ़ोन तो है ही नहीं, ये तो टैब हो गया. तो इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फर्दर पर्पजेज. क्या है, इससे SMS हो सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग हो सकती है, वीडियो गेम्स खेली जा सकती हैं, फोटोग्राफी हो सकती है, सेंडिंग ईमेल्स एंड अ लॉट मोर थिंग्स. और भी बहुत से काम हो सकते हैं. ये वो चीज़ें हैं जो शायद मुझे पता है इससे की जाती हैं, या वो चीज़ें हैं जो कॉमन जो लोग हैं वो इससे यही कुछ ही करते हैं. लेकिन जो जिनकी जो टेक्निकली इसको यूज़ करते हैं वो बहुत सी वेरिएशंस में यूज़ करते हैं, तो वो तो बहुत से पर्पस बना सकते हैं. इसका मतलब है मैंने ये पैराग्राफ बेस करवाया है कि इसका पर्पस क्या है, उसके ऊपर मैंने उसके अलावा कोई बात नहीं की. हेंस मोबाइल फोन इज कॉल्ड अ स्मार्टफोन. ये तो इसका मतलब है कि मैं वो 3310 की बात नहीं करी, मैं ऐसे मोबाइल फ़ोन की बात कर रही हूँ जिसमें ये फीचर्स अवेलेबल होते हैं, तो हम इसको स्मार्टफोन भी कॉल करते हैं. ठीक है, ये हो गया इसका फर्स्ट पैराग्राफ. अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, मैंने क्योंकि लिखना शुरू किया कि इसके पर्पस क्या है. अगर कोई स्टार्ट करता है वो ये बताता है कि मोबाइल फ़ोन हाउ डज इट लुक लाइक, उसकी शेप कैसी होती है, तो आपका फिर वो पैराग्राफ पर्पस की तरफ नहीं जा सकता. फिर वो पूरा पैराग्राफ उसकी डिफरेंट शेप्स और जो वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है उसी को डिस्कस करेगा. इसका मतलब है वन पॉइंट इन वन पैराग्राफ. आपका इंट्रोडक्शन आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसमें पर्पस है तो बस फिर पर्पस ही है, फिर कुछ और नहीं है. कुछ और लिखना है तो मैं माइंड में रखूंगी कि इसके और भी चीज़ें मुझे पता हैं और वो मुझे इसके इंट्रोडक्शन में ही लिखनी है, तो मैं स्प्लिट करूंगी डिफरेंट पैराग्राफ्स और पैराग्राफ्स बना दूंगी. ठीक है, एक बात एक पैराग्राफ में होती है, फिर उसके सारे जितने बीच में सेंटेंसेस आते हैं वो उसी एक पॉइंट को सपोर्ट करते हैं. और फाइनली हेंस मोबाइल फोन इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्मार्टफोन, ये इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस है जो हमेशा कन्फर्म करता है कि आपने जो टॉपिक सेंटेंस बनाया वो ठीक था. आपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए हैं, आपने एग्जाम्पल दे दिए हैं टू वेट दैट टॉपिक सेंटेंस, उसकी कन्फर्मिटी के लिए. यहां तक क्लियर हो गया? बोलो बोलो जल्दी. जितनी देर आप लिखते हो उतनी देर मेरी ब्रेक हो जाती है, मैं चुप हो जाती हूँ और फिर देखना शुरू कर देती हूँ. तो बताइए आपको क्लियर हो गया? मैं ऐसी तो अच्छी बातें नहीं कर रही थी कि इसके बाद कोई आवाज ही ना आए. चैट चल रही है, रुकी तो नहीं? तो आंसर क्यों नहीं आ रहा मुझे?
नो वन इज टाइपिंग, देर इज नो आंसर, सो गए हो? फ्रेश चाहिए मुझे सारे, क्योंकि इसके बाद मैं जाने वाली हूँ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पर, और वो हमारा डे वन होगा. गुड, जावेद समझ आई, मारिया आपको भी समझ आई, शुएब गुड, कोई ऐसा तो नहीं रह गया जिसको समझ नहीं आई. अच्छा, मैं इसका अगला पैराग्राफ कल खुद भी बनाऊंगी, लेकिन इसका नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, बैकग्राउंड पर. आपकी असाइनमेंट आज की क्या है, एक तो ये कि आपने टू और टू वर्ड्स के बहुत से सेंटेंसेस सर्च करने हैं, ताकि जब मैं इसकी वर्कशीट आपको कल दूं तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो. मैंने साथ ही आपको नेक्स्ट पॉइंट भी तो बताना होता है, फिर वो मिक्सअप हो सकता होता है, तो पहले अपना कॉन्सेप्ट इस पे प्रैक्टिस करके क्लियर कर लेना. एक ये प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा आपने एसे का सेकेंड पैराग्राफ बैकग्राउंड जो बनता है, हेडिंग मत देना. एसे में मैं बार बार हर बार बताती हूँ, मैंने इंट्रोडक्शन लिखा क्योंकि मैंने वो एरिया बता दिया आपको कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन आता है, इंट्रोडक्शन की हेडिंग मत दे देना. मैंने इसीलिए इंट्रोडक्शन ऊपर लिख के मोबाइल फ़ोन नीचे लिखा, ताकि आप कहीं मोबाइल फ़ोन के नीचे उसको हेडिंग ना समझ लो. ठीक है, कल आप लिख के आएंगे, लिख के आज शाम को मुझे भेजेंगे इसका बैकग्राउंड मोबाइल फोन्स का. नेक्स्ट जी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स. क्या जानते हो आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के बारे में, ये क्या होते हैं? कुछ सिनोनिम्स भी कहते हैं, एंटोनिम्स भी कहते हैं, मुंह को जितना मर्जी बिगाड़ लो, लेकिन हैं तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ही. तो अब हमने करने हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स. व्हाट आर सिनोनिम्स बेसिकली? दे आर वर्ड्स having similar meaning. I didn't use the word same meaning. Same meaning नहीं, अगर same meaning हो तो हम इसको words meaning बोलेंगे. Dictionary में जब भी आप ढूंढते हो, दो चीज़ें होती हैं इसके लिए, synonym और antonym करने के लिए. मैं आपको recommend करूँगी Google Thesaurus है, आपने Google Thesaurus को ज़रूर अपने पास रखना है. डाउनलोड कर लो उसको, और वो जो ऑफलाइन वाला होता है वो डाउनलोड कर लो, ताकि आप नेट पे, आपके पास है या नहीं है, आप थ्यूसोरस, जैसे डिक्शनरी पे लोग चीज़ें सर्च करते हैं, आप थ्यूसोरस पे सर्च कीजिए. वो सर्चिंग कैसे करते हैं, डिफरेंस क्या है डिक्शनरी में और थ्यूसोरस में? हाउ मच टाइम लेफ्ट? क्योंकि मैं इसकी डिटेल में जाने वाली हूँ, तो मुझे काफ़ी टाइम चाहिए. फ्री पे ओके, वी हैव 18 मिनट्स, तो वी कैन सिंक इन टू इट. सिनोनिम्स क्या होते हैं, वर्ड्स मीनिंग. आप इसको कहते हो, दो वर्ड्स हैं, मैं लिखती हूं. वन इज डिनोटेशन, द अदर इज कॉनोटेशन. Denotation and connotation. Denotation means literal meaning. Literal meaning means which you can find in dictionary. इसको हम denotation कहते हैं. Connotation, fake meaning. और अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट, यानी आपके पास वर्ड एक है, लेकिन आप डिफरेंट जगहों पे उसको जब यूज करते हो ना, तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उस वर्ड के मीनिंग चेंज हो जाते हैं. वो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं रहता जो डिक्शनरी में मिले. ठीक है, तो जो डिनोटेशन है इसको हम कहते हैं वर्ड्स मीनिंग. आपने डिक्शनरी खोली, आपने उसमें एक वर्ड ढूंढा और उसका जो मीनिंग वहां लिखा है, जैसे चलें अगर मैं कहती हूं माय सन इज अ फ्लावर, मेरा बेटा एक फूल है. अब वो फूल तो वो मेरे लिए है, फ्लावर का मीनिंग तो वो है जो पौधे पर लगा होता है, ऐसे ही है. तो जिस, अगर हम पौधे पे लगे हुए फूल की बात करें तो वो डिनोटेशन है.
लेकिन अगर मैं कहती हूँ माई सन इज अ फ्लावर टू मी, तो इसका मतलब है ये कॉनोटेशन है, मैं उसको कैसे देख रही हूँ, तो उसकी यूटिलाइजर, उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसने उसके मीनिंग को चेंज कर दिया। इसी तरह सिनोनिम्स होते हैं, सिनोनिम वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग कभी नहीं होता। आप लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हो, कंफ्यूज ऐसे हो जाते हो सिनोनिम्स के जब फोर ऑप्शन आते हैं, ठीक है, फोर ऑप्शन आते हैं ए बी सी डी, उसमें कोई से दो ऑप्शन बिल्कुल ऑड है तो वो तो बिल्कुल अलग हो जाएंगे, लेकिन कोई दो ऑप्शन ऐसे हैं जो एक सिनोनिम है और एक एग्जैक्ट मीनिंग है, ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग स्टूडेंट को अगर मिल जाए ना उसका एग्जैक्ट मीनिंग तो कहता है वाह कमाल हो गई, एग्जैक्ट ये है इसका सिनोनिम। नो, वो तो है मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग की तरफ नहीं जाना, आपने मिलते जुलते मतलब पर जाना है, ठीक है, मिलता जुलता मतलब, सेम मीनिंग कर दिया तो वो तो वर्ड्स मीनिंग हो गए, वो तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका मतलब है दो जिस जो आपको बड़े क्लोज लगते हैं उसकी वजह यह है कि एक में मीनिंग और एक में सिनोनिम होता है, तो ये क्लोज लगते हैं, और दो बिल्कुल ऑड होते हैं जो अलग कर दिए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? एंटोनिम्स पे आते हैं, एंटोनिम पर आते हैं, मुझे आंसर करते रहो क्योंकि इट्स जस्ट लाइक वी आर इन अ क्लासरूम एंड यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इफ आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन यू हैव टू आंसर मी, अदरवाइज आई वुड अज्यूम दैट नो यू हैवंट गेट माय पॉइंट, तो बताना है आपने मुझे आंसर, ठीक है, क्लियर, आंसर करो बेटा, मेरे कहने पर दुखते हाथ नहीं चलाने, आंसर करना है। नहीं आ रहा आंसर, नहीं आ रहा आंसर, ओके, एंटोनिम्स, एंटोनिम्स क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं उलट, अल्फाज मुतजाद कहते हो ना, उलट, जिसमें बिल्कुल किसी, जैसे दिन है तो रात, सुबह है तो शाम, ये इसका ऑपोजिट है, जो ऑपोजिट जिद है उसको हम कहते हैं एंटोनिम। सिनोनिम इसके लिए उर्दू में वर्ड यूज होता है मुतरादिफ, हैविंग सिमिलर मीनिंग, यू कैन नॉट से सेम और एग्जैक्ट मीनिंग, सेम यू कैन यूज द वर्ड सेम बट यू कैन नॉट यूज द वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट नहीं होता, मिलता जुलता मतलब होता है। तो सिनोनिम और एंटोनिम क्या है, ये क्लियर हो गए आपको, यहां तक क्लियर हो गया, गुड। अब आते हैं इस पोर्शन पर, आज हम बिल्कुल फ्लो ठीक जा रहा है हमारा, जितना मैंने सोचा था उतना शायद हम कर ही पाएंगे। देखो मैंने यहां पर एक व्हील बनाया, ठीक है, इस व्हील में मैंने लिखा कि सिनोनिम और एंटोनिम्स कैसे यूज होते हैं। अगर हम आपको ये कहें कि बेटा हम आपको, जैसे आप कभी कोई ई कैट या एम कैट की बुक उठाओ ना, उसमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की प्रैक्टिस शीट ढूंढो, तो एक दफ़ा इंसान का ना दिमाग जो है ना वो हिल जाता है, वो हिल इसलिए जाता है क्योंकि बेसिकली क्योंकि हमारी एज में आके ना आपने बहुत दुनिया देख ली और आपने बहुत वर्ड्स यूज़ कर लिए और आपकी वोकैबुलरी में बहुत कुछ फीड भी हो गया, आप तो छोटे हो, आपने अभी स्कूल और फिर अभी कॉलेज ही तो देखा, कोई बड़ी बड़ी क्लासेस तो देखी नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो वोकैबुलरी है उस पर हम बहुत ज़्यादा उसको बर्डनाइज नहीं कर सकते। अगर हम ये अज्यूम करें कि यहाँ से कोई फिलोसोफर निकल आएगा हमारे सामने और वो ऐसे वर्ड्स यूज़ करने लग जाएगा कि जैसे उस पर कुछ नाजिल हो रहा है, तो ऐसा नहीं होगा, आपके पास जो कुछ यहाँ है ना बस आप उसी को यूज़ कर सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, उसको रीइंटरप्रेट कर सकते हो, लेकिन आप कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते अभी, और ये हमें सोचना भी नहीं चाहिए। तो अगर मैं ये कहूँ कि जी उसके अंदर वर्ड्स जो दिए हुए हैं, सिनोनिम्स दिए हुए हैं, एंटोनिम्स में तो अलग कहानी है, एंटोनिम्स में जाना वो कोई हजार से ऊपर है, तो याद कर लोगे, हजार लफ्ज में आपको दे दूं ये वर्ड है, और मैं आपको ये भी कह दूं कि बेटा ये तीन चार इसके सिनोनिम्स हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी तीन चार मैंने बताए, हो सकता है एग्जामिनर वो पांचवा छठा सातवां दे दे, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाए कि एग्जामिनर ने आपको कुछ पेपर में दिया, तुमने पास पेपर सारे रट लिए, उसमें अच्छा खासा टाइम लगता है, हार्ड वर्किंग कहते हैं इसको, स्मार्ट वर्किंग नहीं कहते, और मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करनी है हमने कि स्मार्ट वर्किंग की तरफ जाएं। तो अगर उसने कुछ ऐसा दे दिया, आपने सारे पास पेपर्स रट लिए, और जब पेपर करने बैठोगे ना, तो यकीन करो कि अगर तुमने 10 चीज़ें याद की हैं ना, तो एग्जामिनेशन में 11वीं चीज़ आनी है, वो 10 ही नहीं आएंगी।
इतना रट्टा मारने